बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुरा इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बता दें कि बीते दिनों एक मासूम नाबालिग बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट शिकारपुरा थाने में दर्ज की गई, जिसकी जांच के दौरान 48 घंटे में बच्ची का शव प्रतापपुरा क्षेत्र के चामुंडा माता मंदिर के पास संदिग्ध हालत में मिला। बच्ची का शव मिलने की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आज से 2 दिन पहले जो एक दुखद घटना थी, हमारे यहाँ पर एक जो 6 वर्ष की मासूम बालिका थी, उसकी मिसिंग सूचना थी, जिस पे हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। लगातार 2 दिनों से पुलिस उसमें तमाम एंगल से उस तलाश के प्रयास कर रही थी, सर्चिंग अलग अलग जगह पर करनी थी, बाकी के लिए हम जनता का सहयोग लेकर भी उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आज दिन में 12-12:30 बजे के बाद एक रेड स्मेल की पास में उस घटना स्थल के आसपास की सूचना मिली थी, जिसमें निकाला तो एक खंडर सा जो मकान है, क्योंकि काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, इसके अंदर नीचे के वहाँ पर जो उसका कचरा टाइप का था, वहाँ पर एक बॉडी टाइप मिलने का जो संज्ञान में आया पुलिस के द्वारा, उसमें उसको निकाला गया है। उसी बच्ची की प्रथम दृष्टया उसके परिवारजनों ने उसको पहचाना है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हमने शिफ्ट किया है, FSL की टीम भी आ रही है और पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। बॉडी जो मिली है वो बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में मिली है, कहीं ना कहीं पूरा अपराध घटित होने की प्रवणता उसके अंदर उसकी हो रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी शीघ्र ही हम अगली वैधानिक कार्रवाई करेंगे, किंतु हम सस्पिशियस और अन्य एंगल्स के ऊपर हमारी टीमें त्वरित रूप से कार्य करती है।